हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलयन चैप्टर से हम एक नए न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न से, प्रश्न 1.29 को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाऊंगा, साथ में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आज के बाद जब भी दोबारा आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको कोई डाउट ना हो। वीडियो आप लास्ट तक देखें, 101% आपको वीडियो पसंद आएगी। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि नैलाप्रीन, जो कि मॉर्फिन जैसी होती है, का उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि नैलाप्रीन एक केमिकल है जो मॉर्फिन से मिलता जुलता है, और नैलाप्रीन का उपयोग हम लोग ऐसे मनुष्य पर करते हैं जो पहले कोई नार्कोटिक मेडिसिन यानी नशीली दवा ले रहे थे और अब वे नशीली दवा को छोड़ चुके हैं। तो जब कोई इंसान नशीली दवाओं को छोड़ता है तो उसके शरीर पर उसके काफ़ी बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, और ऐसे बैड इफ़ेक्ट से बचने के लिए उस इंसान को नैलाप्रीन देना पड़ता है। उम्मीद है कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आगे लिखा गया है कि सामान्यतया नैलाप्रीन की 1.5 मिलीग्राम खुराक दी जाती है। तो इंसान को एक बार में नैलाप्रीन की 1.5 मिलीग्राम खुराक दी जाती है, और यह खुराक एक बिलियन के रूप में यानी जली बिलियन के रूप में दिया जाता है, जिसकी मोललता है 1.5×10³। तो इस बिलियन का कितना द्रव्यमान हम दें कि इंसान को 1.5 मिलीग्राम नैलाप्रीन प्राप्त हो जाए, ये क्वेश्चन में बोला गया है। उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि विलयन की मोललता दी गई है और साथ में नैलाप्रीन का द्रव्यमान दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस नैलाप्रीन के द्रव्यमान को मोल में बदल लेंगे, क्योंकि मोल में बदलने के बाद उसके मान को हम मोललता वाले फार्मूले में रख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मोलों की संख्या का फार्मूला लिखते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पर विलेय के साथ मैंने इस फार्मूले को इसलिए लिखा है क्योंकि आपके इस क्वेश्चन के अनुसार नैलाप्रीन का आपको जली विलयन बनाना है। तो यहाँ पे जो नैलाप्रीन है ना, ये आपके विलेय की तरह काम करेगा और जल जो होगा आपके विलयन का विलायक होगा। उम्मीद है बात आपको क्लियर है। अब इस फार्मूले में देखिए तो जो विलेय की का द्रव्यमान है वो ग्राम में रखना है, और यहाँ पर हमको विलेय यानी नैलाप्रीन का द्रव्यमान मिलीग्राम में दिया गया है। तो सबसे पहले इस मिलीग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे। तो डब्लू सेल्यूट हमको दिया गया 1.5 मिलीग्राम, ग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से भाग देंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डब्लू सेल्यूट बराबर 1.5×10³⁻³ ग्राम। तो इस तरह विलेय की मात्रा को या द्रव्यमान को हमने ग्राम में बदल लिया। अब यदि इस मोलों की संख्या वाले फार्मूले को देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि हमको चाहिए विलेय का मोलर द्रव्यमान, और अभी मैंने आपको बताया कि आपके इस क्वेश्चन का विलेय नैलाप्रीन है तो नैलाप्रीन का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर अणुसूत्र दिया गया है तो बड़ी आसानी से हम मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अणुसूत्र दिया गया है C19H21NO3। तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 होता है और इसकी संख्या 19 है, तो 19 से इसमें गुणा कर दिए और फिर इसके बाद प्लस लिख लिए, और हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 और संख्या 21 है तो 21 से गुणा कर दिए, फिर इसमें जोड़ दिए हमने नाइट्रोजन के मोलर द्रव्यमान को 14 और इसकी संख्या 1 है तो 14×1, और यहाँ ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 और संख्या 3 है तो 3×3 कर दिए और इसको सॉल्व कर दिए हमने इस ब्रैकेट को, तो हमको 228 यहाँ से 21 फिर 14 और फिर 48 प्राप्त हुआ। इन तीनों इन सबको जोड़ने के बाद हमको प्राप्त हो जाता है 311, यानी नैलाप्रीन का मोलर द्रव्यमान आ गया 311 ग्राम प्रति मोल। तो अब हमारे पास विलेय का द्रव्यमान ग्राम में आ चुका है, विलेय का मोलर द्रव्यमान भी हमने ज्ञात कर लिया है। तो इन दोनों मान को हम इस फार्मूले में रख देते हैं 1.5×10³³ और 311,
और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको मिले के मोलों की संख्या मिल जाएगी 0.0048 × 10⁻³ मोल। तो इस तरह नैलाप्रीन की मात्रा को या द्रव्यमान को हमने मोल में बदल लिया। अब यहाँ पर विलयन की मोललता दी गई है तो मोललता वाले फार्मूले को यहाँ लिखते हैं। तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यहाँ पे मोललता का मान तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है और विलेय के मोलों की संख्या को अभी आपने निकाला, तो इन दोनों मान को यहाँ पर रख दें और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में ये निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए हमने मोललता के मान को रख दिया, विलेय के मोलों की संख्या के मान को रख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 1.5 × 10³ को नीचे लाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में बराबर 0.0048 × 10⁻³ अपान ये नीचे आ गया है तो 1.5 × 10³। आप देख रहे हैं 10³ ऊपर भी है नीचे भी है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में बराबर 0.0048 / 1.5। अब यहाँ पर 0.0048 को थोड़ा सा हम चेंज करके लिखें तो यहाँ पे हम डेसिमल को 3 प्लेस शिफ्ट कर देते हैं और लिख देते हैं 4.8। और जब 3 स्थान दाएं तरफ डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा 10³। तो इस 0.0048 को हम लिख सकते हैं 4.8 × 10³। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब 4.8 में हम 1.5 से भाग दे देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3.2 और यहाँ पे 10³ को हमने ऐसे ही रहने दिया। तो इस प्रकार विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में हमको प्राप्त हो गया। यदि ग्राम में बदलना चाहें तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं तो 3.2 × 10³ पहले से था, 1000 यानी 10³ से इसमें हमने गुणा कर दिया तो अब ये ग्राम में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि W सॉल्वेंट इन ग्राम, यानी कि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। यहाँ 10³ है और यहाँ 10³ है, गुणा है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और विलायक का द्रव्यमान ग्राम में हमको मिल जाएगा 3.2 ग्राम। अब यही हमारा आंसर हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि सर क्वेश्चन में तो विलयन का द्रव्यमान पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। तो ये विलायक का द्रव्यमान है और इसमें विलेय का द्रव्यमान यदि हम जोड़ दें तो विलयन का द्रव्यमान मिल जाएगा। लेकिन जो विलेय का द्रव्यमान है वो है 1.5 मिलीग्राम, जो कि बहुत ही छोटा है किसकी तुलना में, इस 3.2 ग्राम की तुलना में। तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा, 3.2 ग्राम। तो ये विलायक का भी द्रव्यमान है और यही लगभग विलयन का भी द्रव्यमान होगा और इसीलिए हमारे क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।